मैडम आज हेलो। पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा घटना बताइए। ये करीब 1 घंटे पहले हम लोग को कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली कि हम लोग की टीम लगी हुई थी चेकिंग में, और ये हनुमत नगर रोड से घैला की तरफ जाने वाली रोड पे एक बदमाश था जो कि बाइक से था, और टीम ने जब उसको रोका, उसकी हरकतें कुछ संदिग्ध लगी, तो उसने रुकने से मना किया और उसने अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग हमारी टीम के द्वारा की गई, जिसकी वजह से बदमाश के पैर में एक गोली लगी है। मौके से हम लोगों को 1 अदद तमंचा, 15 बोर, 1 बाइक, 2 खोखा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। और इस बदमाश की पहचान हर्षवर्धन के नाम से हुई है, ये बाराबंकी का रहने वाला है। हमारे यहाँ केशव नगर में घटना हुई थी, अपॉइंटमेंट ये आपकी हुई थी 27 मई 2022 को, आपकी जिसमें फायरिंग की घटना हुई थी। 4 लोग का नाम इसमें प्रकाश में आया था, जिसमें से 2 की अरेस्टिंग हो चुकी है, ये तीसरा आदमी है, अभी इसमें एक और फरार है। और इसमें बाकी हम लोग और इसके खिलाफ जो जो मुकदमे और पेंडिंग है उसका पता लगा रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें। पुलिस और मैडम इसकी बदमाश के बात बीच चल कितने रही थी, राउंड फायरिंग की गई थी, कितने राउंड गोलियां चली थी? हमारी टीम की तरफ से इसमें एक एक जो गोली थी वो लगी है इनके पैर में, बाकी कितने राउंड और चले हैं, क्या हुआ है, ये अभी हम लोग मैम बाद कितने में टाइम जानकर से इसकी पता करेंगे। तलाश हो रही थी? हाँ, कितने टाइम से इसकी तलाश हो रही थी? 1 महीने। मैम ये जो बदमाश है लखनऊ में कहाँ पर रह रहा था, क्योंकि बाराबंकी का रहने वाला है ये अब इसका? इसको इंट्रोगेट करेंगे तब पता लगेगा, अभी तो मुठभेड़ हुई है, अब इंट्रोगेशन होगा तब पता लगेगा कहाँ रहता था इसका। अभी तक इसके ऊपर कोई इनाम तो नहीं राशि? अभी ये पता कर रहे हैं, अभी इसको पता करते हैं। थैंक यू।